यस, तो नाउ वी स्टार्ट दी सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आपकी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड का मतलब जो हम बॉयलर के अंदर डालने के पहले अगर हम वाटर को सॉफ्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड। यानी कि जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग क्या है आपकी? सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस टू टाइप्स की होती है। सॉफ्टनिंग प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप, क्लियर? सॉफ्टनिंग मेथड दो होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज इंटरनल ट्रीटमेंट। पहला कौन सा हो गया आपका? एक्सटर्नल, और दूसरा कौन सा हो गया? इंटरनल हो गया। इंटरनल मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरनल मेथड में हमने कौन सा पढ़े हैं? इंटरनल कंडीशनिंग मेथड पढ़ी है हमने। इसको इंटरनल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये बॉयलर के अंदर हो रहा था, ठीक है? तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव मेथड भी बोलते हैं। प्रिवेंटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं, उसमें से इंप्योरिटीज को दूर कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं इंप्योरिटीज को। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेथड। इंटरनल ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज करेक्टिव मेथड। क्यों करेक्टिव बोला हमने? क्योंकि हम जब ट्रबल अंदर आ गई तब हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज करेक्टिव मेथड एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव मेथड। तो अब हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? हार्ड वाटर का कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉफ्टनिंग प्रोसेस। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हार्डनेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हार्डनेस फ्रॉम द वॉटर एंड मेक इट सॉफ्ट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग प्रोसेस। क्या कहा हमने? ऐसी प्रोसेस जो वॉटर में से हार्डनेस को रिमूव करती है और उसको कैसा बना देती है? सॉफ्ट वॉटर बना देती है, वो क्या कहलाती है? सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहलाती है। क्लियर है डेफिनेशन? देन सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल मेथड और इंटरनल मेथड। एक्सटर्नल मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव मेथड एज इट इज प्रिवेंटेड आउटसाइड, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल। और इंटरनल मेथड क्या कहलाता है? करेक्टिव मेथड कहलाता है, क्योंकि हम जो बॉयलर के अंदर जो ट्रबल आई है उसको करेक्ट करें, उसको दूर करें, ठीक है? तो एक्सटर्नल मेथड्स जो है वो तीन मेथड्स आपको पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट है आपका लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट लाइम सोडा प्रोसेस। सेकंड पढ़ेंगे हम आपका, जो सेकंड पढ़ेंगे हम जियोलाइट प्रोसेस पढ़ेंगे, जियोलाइट प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। बोर्ड का दिखाई दे रहा है आपको? बोर्ड का दिखाई दे यस रहा मैम, है? यस मैम, यस मैम, ओके, यस मैम। आप कॉपी में लिखेंगे, अभी जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तब आप कॉपी में जब लिखेंगे तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस हेडिंग डालेंगे, फिर उसको ऐसा ही चार्ट बनाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल को देन अगेन सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट मेथड का नाम है लाइम सोडा, सेकंड मेथड का नाम है जियोलाइट एंड थर्ड मेथड का नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। फिर जो इंटरनल है उसको आप चार पार्ट में कर देंगे, उसमें चारों कंडीशनिंग के नेम मेंशन कर देंगे, क्लियर है? तो आज हम सबसे पहला मेथड यूज करेंगे अपना, जो पढ़ेंगे हम, दैट इज अ लाइम सोडा प्रोसेस। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस इस मीन कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हम क्या कर रहे हैं? वाटर को सॉफ्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं वाटर को सॉफ्ट? लाइम और सोडा की हेल्प से कर रहे हैं। तो व्हाट इज लाइम एंड व्हाट इज सोडा? दीज आर द केमिकल्स। ये क्या है? हमारे केमिकल्स है। तो विद द हेल्प ऑफ द लाइम सोडा
वी आर सॉफ्टनिंग द वॉटर. तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा? लाइम सोडा का बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया? टू रिमूव द हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस और टू रिमूव द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट विथ द हेल्प ऑफ लाइम एंड सोडा. With the help of lime and soda is called the lime soda process. क्या कह रहे हैं हम? Water के अंदर से hardness causing salt को lime और soda method की help से हम क्या कर रहे हैं? Remove कर रहे हैं. उसको हम बोलते हैं lime soda process. Clear है? तो what is the formula of lime? Lime का formula क्या है? Calcium hydroxide and soda का formula क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बन. अब हमने प्रिंसिपल क्या बताया मैंने आपको? टू रिमूव दी हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज बाय द एडिंग ऑफ लाइम एंड सोडा. ठीक है, वाटर के अंदर से लाइम और सोडा को ऐड करके उसके अंदर जो हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज थी उनको हम कन्वर्ट करते हैं इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेट में. वो क्या कहलाता है? लाइम सोडा प्रोसेस कहलाता है. ये क्लियर है आपको? और आप इसको कैसे बोल सकते हैं? टू रिमूव द सॉल्युबल सॉल्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हार्डनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ लाइम एंड सोडा. अब देखिए, एक ही पैरा बताया है मैंने, लेकिन हम उसको दो तीन तरीके से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही. तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि लाइम और सोडा को हम हार्ड वाटर के अंदर ऐड करें. तो लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3. यानी ये जो दोनों केमिकल्स हैं, ये दोनों केमिकल्स किन से रिएक्शन करेंगे? हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट से. तो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कौन से हैं? इट मे बी कैल्शियम सल्फेट, इट मे बी मैग्नीशियम सल्फेट, और इट मे बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इट मे बी मैग्नीशियम क्लोराइड. जो भी हार्डनेस को सॉल्ट कॉज करते हैं उनकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? लाइम या सोडा से करेंगे. तो वो लाइम और सोडा किसमें हेल्प करेंगे? इन सॉल्युबल सॉल्ट को इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे. यहां तक आ रहा है आपको समझ में? ये दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड का? यस मैम. ये क्लियर है आपको अभी जो मैंने आपको बताया? यस मैम. ओके, यस मैम. तो यानी जो हमारा पहला रिएक्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. सेकेंड रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? आइदर इट इज लाइम और इट इज सोडा. पहला रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका? हार्डनेस को जो कॉज कर रहे हैं वो सॉल्ट, और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? लाइम या सोडा. इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल था लाइम सोडा का, कि टू कन्वर्ट द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर into the insoluble precipitate with the help of lime and soda. Clear है? अब हम इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? लाइम सोडा की जो प्रोसेस होती है ये कैसे होती है? तो लाइम सोडा की प्रोसेस जो है, इट इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. इट इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. सबसे फर्स्ट है कोल्ड लाइम सोडा मेथड. सबसे फर्स्ट मेथड का नाम है कोल्ड लाइम सोडा मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है हॉट लाइम सोडा मेथड. एल और एस का मतलब क्या है? लाइम एंड सोडा. क्लियर है आपको? तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. तीन प्रोसेस, लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज. लाइम सोडा इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, कोल्ड लाइम सोडा मेथड एंड हॉट लाइम सोडा मेथड. क्लियर? अब यहां पर जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या किया? सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है? वाटर. अब ये वाटर कैसा होगा आपका? हार्ड वाटर.
ये वाटर कैसा है आपका? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट है। तो ऐसा वाटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट है। क्योंकि हमें तो लैब में पहले यही चेक करना है ना कि वाटर हार्ड तो नहीं है, बिकॉज वी हैव टू सेंड दिस वाटर इनटू द इंडस्ट्रीज। हमको इस वाटर को इंडस्ट्री में भेजना है, तो हम क्या करते हैं, हमारा करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए कि पहले ही हम उस वाटर को चेक कर लें कि ये हार्ड तो नहीं। तो हमने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पे वाटर लिया है ना, उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट थे, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाटर के अंदर लाइम और सोडा का सस्पेंशन बनाया। लाइम और सोडा के सस्पेंशन को बना के हम इस हार्ड वाटर के अंदर ऐड करते हैं और फिर हम इसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो क्या होने लगता है, ये जो लाइम और सोडा होता है ये किससे रिएक्शन कर लेता है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट से। सपोज इसने रिएक्शन किससे करी, कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करी, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हमें पता है किसके फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये किससे रिएक्शन करेगा, सोडा से रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, CaCO3 बना देगा और Na2SO4 बना देगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब हम हार्ड वाटर के अंदर लाइम और सोडा के सस्पेंशन को ऐड करते हैं तो ये उनसे रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव करते हैं। यहाँ रहा है, ये एक इसका जनरल मेथड है जो आप लिखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल के बाद आप लाइम सोडा की प्रोसेस में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इन हार्ड वाटर और इन अ वाटर सैंपल वी ऐड लाइम एंड सोडा एज अ सस्पेंशन। हम क्या बना लेते हैं, लाइम और सोडा का सस्पेंशन बना के हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन करता है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट से एंड इट फॉर्म दी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से दूर कर लेते हैं। ये कहलाता है आपका लाइम सोडा मेथड। क्लियर है आपको यहाँ तक आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, ये तो हो गया एक कॉमन मेथड, जनरल मेथड कि किस तरीके से लाइम सोडा रिएक्शन करता है। ये आपको एक बेस पता चल गया अभी कि हाउ लाइम एंड सोडा रिएक्ट विद हार्ड वाटर। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट मेथड पे, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड लाइम सोडा मेथड। एज इट्स नेम इंडिकेट, कोल्ड लाइम सोडा मेथड। इसका मतलब कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो है ये किस पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर होती है। किस पर होती है, ये रूम टेम्परेचर पर होती है मेथड, ठीक है। तो अब इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो है उसमें क्या होता है कि हम रूम टेम्परेचर पर वाटर को लेकर जब हम उसके अंदर लाइम और सोडा को ऐड करते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है वो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। आ रहा है आपको समझ में, क्या कह रही हूं मैं, कोल्ड लाइम सोडा मेथड के अंदर ये मेथड जो होती है रूम टेम्परेचर पर होती है, इसके अंदर जब हम वाटर में लाइम और सोडा को ऐड करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो वो जो बना हुआ जो प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट बना है, ये प्रेसिपिटेट जो होता है रूम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इट इज वेरी फाइन, इतने फाइन होते हैं कि इट कॉजेस
टू डिफिकल्टी इन द फिल्ट्रेशन. हम कह रहे हैं ना जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है उसको हम फिल्टर करके दूर कर ले रहे हैं, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पर कोल्ड लाइम सोडा मेथड होती है उसमें इतने फाइन पार्टिकल्स बने होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं. तो हमें तो क्या चाहिए, क्लियर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट चाहिए, और वो हमें मिल नहीं रहा. क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने फाइन पार्टिकल है कि जब मैं उसे फिल्टर कर रही हूँ तो वो फिल्ट्रेट के अंदर बाहर निकल जा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, टू गेट दी फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट वी एडेड सर्टेन केमिकल. हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स को ऐड कर देते हैं जो उन फाइन पार्टिकल्स को एक बिग पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है. तो ऐसा केमिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉगुलेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसे, कॉगुलेंट बोलते हैं. यही डिफरेंस है कोल्ड लाइम और हॉट लाइम में कि कोल्ड लाइम सोडा मेथड नीडेड द कॉगुलेंट, व्हाइल हॉट लाइम सोडा मेथड डज नॉट नीडेड एनी काइंड ऑफ कॉगुलेंट. क्लियर है. तो यहाँ पे कॉगुलेंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हॉट लाइम है तो ऑलरेडी जब वो गर्म होगा तो वो अपने आप इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जो कोल्ड लाइम सोडा मेथड है वो किस पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है, और वहां पर क्लियर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो फाइन प्रेसिपिटेट है. जब मैं उसे फिल्टर कर रही हूँ तो मुझे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इतना बारीक था कि छानने पर वो फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल गया. तो उस प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, एक केमिकल ऐड कर दिया. उस केमिकल का नेम क्या है, कॉगुलेंट. तो इसका मतलब कॉगुलेंट का फंक्शन क्या हो गया, टू कन्वर्ट द फाइन पार्टिकल्स इनटू द बिग पार्टिकल्स, है ना. जो माइक्रो पार्टिकल्स है उसको किस में कन्वर्ट करना, मैक्रो पार्टिकल में करना. कैसे करेगा ये, सपोज कॉगुलेंट हम क्या ले सकते हैं, एलम ले सकते हैं. एलम पता है क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा घर में भी, अगर कभी हम पानी के अंदर जब हम फिटकरी को लगाते हैं और थोड़ी देर उसे रखा रहने दोगे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो ऊपर आ जाती है ना, एक ऐसे इकट्ठा होके आ जाती है. अगर किसी ने नहीं देखा हो तो करके देखना घर में, ठीक है. टैप वाटर लेना, उसके अंदर आप फिटकरी को लगाना तो आप देखोगे अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर का वो प्रेसिपिटेट बनके वो ऊपर पूरे इकट्ठे हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर कॉगुलेंट डालते हैं तो कॉगुलेंट लाइक एलम, अगर हमने एलम को ऐड किया तो ये क्या कर देता है, एलम इन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को अपने चारों ओर जो है इकट्ठा कर लेता है, ये उसके अंदर स्टिक हो जाते हैं और फिर हमें क्या मिल जाता है, मैक्रो पार्टिकल्स मिल जाते हैं. सो दैट when we filtrate it we can easily remove the or form the insoluble precipitate. clear hai, aa raha hai yahan pe samajh mein aapko? yes ma'am aa raha hai samajh. that cold lime soda method is again subdivided into two parts, batch process and continuous process. batch process and continuous process. same thing with hot lime, it is also again subdivided into batch process and then continuous process. clear hai? yahan tak aa raha hai aapko samajh mein? ek baar आज हम इतने ही पढ़ेंगे, एक बार आपको रिपीट कर रही हूं मैं. आज हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टनिंग प्रोसेस. सॉफ्टनिंग प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो वाटर के अंदर से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए की जाती है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस. सॉफ्टनिंग प्रोसेस में दो मेथड होते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इंटरनल ट्रीटमेंट. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट थ्री टाइप्स के हमें पढ़ने, फर्स्ट वन इज लाइम सोडा, सेकंड वन इज जियोलाइट एंड थर्ड वन इज आयन एक्सचेंज. देन लाइम सोडा इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कोल्ड लाइम सोडा मेथड एंड हॉट लाइम सोडा मेथड. कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो होती है ये रूम टेम्परेचर पे होती है, हॉट लाइम सोडा मेथड के लिए हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. देन दीस प्रोसेस आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बैच प्रोसेस एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस. क्लियर है यहाँ तक. ये हो गया आपका एक फ्लो चार्ट.
about the lime soda process. Then what is the basic principle of lime soda process? To convert the soluble salt causing impurities into the insoluble precipitate with the help of lime and soda. ऐसी impurities जो soluble salt के form में hardness को cause कर रही हैं, उनको lime और soda method के through हम insoluble precipitate में बदलते हैं, वो कहलाता है हमारा lime soda method का principle. Then फिर लिखते हैं हम lime soda process in a one glance. क्या लिखते हैं हम कि हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर लिया, उस वाटर के अंदर जैसे ही हमने लाइम और सोडा का सस्पेंशन बनाकर ऐड किया, इट रिएक्ट विद द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट एंड फॉर्म द फाइन प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये फाइन प्रेसिपिटेट कब बनाएगा? जब वो प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर होगी. इट मींस एट रूम टेम्परेचर lime and soda react with hardness causing salt and form the fine precipitate of calcium carbonate and magnesium hydroxide. तो ये जो फाइन प्रेसिपिटेट होते हैं, ये फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको दूर करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर केमिकल को ऐड करते हैं, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज कोगुलेंट. फॉर एग्जांपल एलम, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सल्फेट को हम ले सकते हैं. जैसे ही हम इन्हें ऐड करते हैं, ये एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो अपने चारों ओर ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फाइन पार्टिकल्स को, फाइन प्रेसिपिटेट को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है, जिससे हम आसानी से अब उस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते. तो आज हमने कोल्ड लाइम सोडा मेथड में यहाँ तक पढ़ा है. कल मैं आपको बताऊंगी इसकी बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर है? अब यहाँ पर किसी को भी डाउट हो तो वो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए. यहाँ तक का आपको कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई हो, यू कैन आस्क मी. एनीवन, किसी को कोई डाउट है इसमें या क्लियर हो गया है? मैम, ये हार्ड वाटर में ही डाल रहे हैं ना हम, मतलब सोडा और लाइम? हाँ, हम तो वाटर के अंदर, हमने क्या किया है, वाटर लिया ना आपने. अब आपको लैब में कोई वाटर दिया है, एंड यू हैव टू सेंड दैट वाटर टू इंडस्ट्रीज. जब इंडस्ट्री में भेजते हैं तो वी हैव टू एंश्योर ना कि वाटर वो सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है कि नहीं. तो उन पैरामीटर्स में सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? हार्डनेस, है ना. तो ऐसा वाटर जो हार्ड वाटर है उसके अंदर ही हम ये तीनों ट्रीटमेंट करेंगे. दीज ट्रीटमेंट्स आर स्पेसिफिक फॉर रिमूविंग दी परमानेंट हार्डनेस और हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज इन दी वाटर. क्लियर है? यस मैम. यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना, इन लाइम सोडा प्रोसेस हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ लाइम first, after that with soda. In this process the hardness is removed by sedimentation. अब sedimentation का मतलब क्या हुआ? जम जाना, sediment बन जाना. तो क्योंकि वो fine particle होते हैं ना, इसलिए उनके sediment बन जाते हैं as calcium carbonate और magnesium hydroxide. हमको क्या चाहिए? Insoluble precipitate चाहिए जो ऊपर आए उसके. तो उसके उस precipitate को बाहर लाने के लिए हमने क्या add करा था? उसके अंदर हमने क्या add करा था हमने रमजान? Yes, ma'am. क्या ऐड किया हमने? एलम. एलम ऐड किया, वेरी गुड. क्या ऐड किया? कोगुलेंट. तो एलम्स तो एग्जांपल है, कॉमन टर्म क्या है उसके लिए? कोगुलेंट है बेटा. कॉमन कोगुलेंट. कोगुलेंट, कोगुलेंट क्यों यूज करते हैं? कोलाइड पार्टिकल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. क्लियर है आपको? यस मैम. क्लियर है रमजान? यस मैम. यस मैम. वो मैम मेरे पास कॉल आ गया था एकदम से आवाज. नेक्स्ट, किसी को डाउट है? एनीवन? मैम. यस. राजदीप मिश्रा. हां मैम. कोगुलेंट और कोगुलेशन, मैम कोगुलेंट और कोगुलेशन कहीं कोरिलेट करते हैं क्या? कोगुलेशन इज अ प्रोसेस एंड कोगुलेंट इज अ केमिकल. ओके. Yes, ma'am. Coagulation is a process. Coagulant is a chemical. So with the help of coagulant, yes, ma'am, we are doing the coagulation. Clear? Yes, ma'am. Okay.
ओके मैम. एनीवन एल्स? सदफ, एनी डाउट? यस मैम. नो मैम. क्लियर है? यस मैम. तो आज जब कॉपी में आप सॉफ्टनिंग प्रोसेस लिखेंगे तो फर्स्ट यू मेक अ चार्ट. आप लोग खुद से बना सकते हैं या मुझे भेजना पड़ेगा इसका है ना स्क्रीनशॉट? और कोई ऐसा चीज है जो ड्रॉ कर लेगा? मैम बना लेंगे चार्ट. मैम बना लेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स यस मैम, बना लेंगे. गुड मैम, बना लेंगे. किसी को कोई डाउट है? उर्वशी, उर्वशी समझ आ रहा है? नो मैम. नो, नहीं आ रहा. क्या नहीं आया समझ में? यस मैम आ रहा है. तो मैंने पूछा था समझ आ रहा है, यू सेड आ रहा है मैम. ओके, आ रहा है मैम समझ में. ओके. ओम? यस मैम. नहीं करे. सुखे? यस मैम. सुखे? सुखे? यस मैम. क्लियर है? यस मैम. एक बार पढ़ के पूछिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. साहिल खान? यस मैम. साहिल खान अनम्यूट. यस मैम. साहिल, यस मैम. क्या प्रिंसिपल बताया था मैंने, एक लाइन में बताइए. मैम सॉफ्टनिंग प्रोसेस बताई थी मैम आपने. नहीं, लाइम सोडा का प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था आप मुझे वन लाइन में बताइए. लाइम सोडा का प्रिंसिपल मैम आपने एलम डाला था मैम उसमें हार्डनिंग वाटर को निकालने के लिए. किसी को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? कोई बता सकता है मैं क्या पूछ रही हूँ? यस मैम. यस बताइए, पहले क्वेश्चन बताइए फिर उसका आंसर बताइए. मैम आपने पूछा लाइम सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल बताइए. हाँ, अब आंसर बताओ इन वन लाइन. इन वन लाइन. टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस. बाय लाइम सोडा. और कौन बताएगा? सैयद आफ्ताब वाला? सैयद आफ्ताब? यस आप बताइए. यस मैम. बताइए मैम. सोडा लाइम कुछ में ऐड करेंगे जिसमें इनविजिबल जो हार्डनेस कॉजिंग साल्ट है मैम वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम फिल्ट्रेशन करके उसको बाहर निकाल सके मैम. जो हार्डनेस अपना नाम बताएगा बोलिए मैम. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस. नहीं सिंपल लाइम सोडा की बोलना है प्रिंसिपल. ये तो आपने बताया उसका मुझे सॉफ्टनिंग मेथड बताया आपने, सॉफ्टनिंग प्रोसेस का बताया. एक लाइन में बताइए लाइम सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल. Removal of hardness causing salts with the help of lime soda. Very good. किसने बताया? संदीप यादव. संदीप यादव. संदीप बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, हमेशा करेक्ट आंसर देता है संदीप. तो क्या बताया संदीप ने? To remove the hardness causing impurities or to convert the soluble salt into the insoluble precipitate with the help of lime and soda. ये एक लाइन में इसका प्रिंसिपल है. अब क्लियर हो गया सबको? ऋषभ कुमार? यस मैम. ऋषभ? यस मैम. समझ आ रहा है? विकास विश्वकर्मा? विकास विश्वकर्मा अनम्यूट करिए. विकास, विकास विश्वकर्मा मैं आपको आई विल मार्क यू एज एब्सेंट अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ तो, बिकॉज मैंने 2-3 times नोटिस किया है आपका ये कि आप यहाँ पर तो प्रेजेंट हैं बट आपका. यस मैम. हेलो. हाँ विकास, कहाँ चले गए थे आप? हेलो मैम. कहाँ चले गए थे? मैम मैं अनम्यूट था, मैं घर पे थे. अनम्यूट थे कि म्यूट थे? चलिए बताइए आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रही हो अभी तक? यस विकास. अनम्यूट. विकास अभी तक मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इधर. अच्छा ठीक है, दैन इट्स ओके. रश्मिता अनम्यूट योरसेल्फ. रश्मिता? यस. रश्मिता बारस्कर? रश्मिता अनम्यूट योरसेल्फ. रामजी गुप्ता?
राम जी गुप्ता यस मैम समझ में तो आ रहा है फॉर्मूला क्या है समझ में आ रहा है लाइम का फॉर्मूला क्या है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही इधर अभी मैं लाइम का फॉर्मूला पूछ रही हूँ आपसे कौन बता सकता है मैम मैं बताऊं यस मैम राम कहना है COOH का होल टाइप जल्दी से बताइए COOH का होल टाइप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेरी गुड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा का फॉर्मूला रोहित से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वेरी गुड चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास ठीक है अब हम नेक्स्ट मंडे को जो है मंडे का मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइम सोडा में कोल्ड लाइम सोडा मेथड के दोनों टाइप्स पढ़ेंगे हम तब तक आप इसको अपने नोट्स को तैयार करेंगे और मुझे सेंड करेंगे ओके चलिए गुड डे एंड थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम